तो अभी मेरे पापा ये चीज देखेंगे ना तो उनको भी अच्छा लगेगा, हाँ मेरी बेटी ने पापा का टैटू बनवाया। आजकल की लड़कियां लोग तो फेमस होने के लिए पवन सिंह का बनवा लेते हैं, आजकल एक टैटू गर्ल भी वायरल हो रही है जो बागेश्वर बाबा का टैटू बनवाया फेमस होने के लिए, लेकिन आपने पापा का बनाया है, क्या लगता है आपको? मेरे पापा नहीं है। अच्छा, आपके पापा नहीं है? नहीं, मेरे पापा 10 मई 2016 को ख़त्म हो गए थे। अच्छा। तब मैं बहुत छोटी थी, तब मेरी टैटू बनवाने की उम्र नहीं थी। अभी देखिए, हीरो अपनी जगह और एक्टर्स अपनी जगह, नॉर्मल जितने लोग टैटू बनवाते हैं एक्टर्स भी होता है, हीरो आम आदमी भी होता है वो लोग। कैमरामैन को कहूँगा एक बार इनको टैटू दिखाइए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पापा का इन्होंने टैटू बनाया हुआ है, सेम टू सेम पापा का है। और रउआ लोग कैसन बानी? रउआ लोग कैसन बानी? यही है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, मेरे को आती नहीं है। अच्छा, और भी कुछ बोल के दिखाइए भोजपुरी में, काफी आवाज आपका सुन रहा है। हाल चाल बार रउआ लोग? इतने मेरे को आती नहीं है। पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई, पापा के भी गाँव में बनवाना होगा तो अपनी मम्मी की फोटो बनवाएंगे, क्योंकि हम क्या बात है, ये पापा का आप मम्मी का। एक्चुअली मेरी सगी सिस्टर नहीं है, हम लोग इसकी जो दीदी है उसकी फ्रेंड है, हम बस हम लोग साथ में बचपन से पढ़े लिखे हैं तो ये हमको बहन मानती है। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज तक। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे बगल में पापा की शेरनी लोग खड़ी है, और आपको बता दें आजकल की जो लड़कियां हैं वो पवन सिंह खेसारी यादव का टैटू बनवाते हैं अपने हाथों पर, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लड़की है भोजपुरी एक्ट्रेस, ठीक है, और इन्होंने हाथ में पापा का टैटू बनाया है। सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्ते, प्रणाम। अपना सिटी न्यूज़ तक जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं उनको प्रणाम। मैं एक्टर शलिशा गुप्ता, और सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, जितने भी भाई लोग सब लोग देख रहे हैं उनको प्रणाम मेरी तरफ से। आपने टैटू पापा का बनवाया है क्योंकि लोग एक्ट्रेस का बनवाते हैं, एक्टर का बनवाते हैं, भोजपुरी का, पवन सिंह खेसारी का, आपने पापा का बनाया जी। देखिए, हीरो अपनी जगह और एक्टर्स अपनी जगह, नॉर्मल जितने लोग टैटू बनवाते हैं एक्टर्स भी होता है, हीरो आम आदमी भी होता है वो लोग, तो नॉर्मल सी बात है। देखिए, वो लोग मेरे पास नहीं आ जाएंगे, अभी आप लोगों मैं उनको कॉल करूंगी, वो आ जाएंगे मेरे पास, नहीं आएंगे तो अभी मेरे पापा ये चीज़ देखेंगे ना तो उनको भी अच्छा लगेगा, हाँ मेरी बेटी ने पापा का टैटू बनवाया। आजकल की लड़कियां लोग तो फेमस होने के लिए पवन सिंह का बनवा लेते हैं, आजकल एक टैटू गर्ल भी वायरल हो रही है जो बागेश्वर बाबा का टैटू बनवाया फेमस होने के लिए, लेकिन आपने पापा का बनाया है, क्या लगता है आपको? मेरे हीरो है मेरे पापा। एक बार टैटू दिखाइएगा, कैमरामैन को कहूँगा एक बार इनको टैटू दिखाइए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पापा का इन्होंने टैटू बनाया हुआ है, सेम टू सेम पापा का है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना मेहनत लगा है इसमें, बहुत। कितना घंटा लगा? 3 घंटा। दर्द भी हुआ? बिल्कुल दर्द, बिन दर्द के ऐसे टैटू बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। फिर क्या सोच के आप टैटू बनवाए, मतलब क्या दिमाग में चला? मेरे पापा नहीं है। अच्छा, आपके पापा नहीं है? नहीं, मेरे पापा 10 मई 2016 को ख़त्म हो गए थे। अच्छा। तब मैं बहुत छोटी थी, तब मेरी टैटू बनवाने की उम्र नहीं थी, अभी टैटू चला भी, और प्लस मेरे पास उनकी ऐसी कोई फ़ोटोज़ नहीं थी जो मेरे साथ परमानेंट रहे, वो फेसबुक से मैंने फ़ोटो निकाली तो मैंने फ़ोटो बनवाई, और उनकी फ़ोटो नहीं है मेरे पास। ये यादगार पल हो गया, परमानेंट है, परमानेंट हो गया। हाँ जी, आपने काफ़ी दर्द भी झेला जी। पापा के लिए बिल्कुल दर्द क्यों नहीं, बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा, कितना दर्द हुआ इसमें, मतलब कितना पैसा लगा इसमें? 12,000। 12,000 लगा जी। कब बनवाया आप ये? मैंने कल शाम में बनाया था। क्या बात है, कल शाम में बनाया, और देखिए आज वीडियो भी लॉन्च होने वाला है। आप लोग कैसे देखते हैं इनको, क्योंकि एक्ट्रेस है और इन्होंने पापा का फोटो बनाया है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम काजल सचान है। अच्छा, आप इनकी क्या लगती है? ये मेरी सिस्टर है। सिस्टर है, आपने भी कुछ बनवाया क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं बनवाया है। बनवाएंगे आप कुछ क्या? हाँ, अगर मुझे बनवाना होगा तो अपनी मम्मी की फोटो बनवाएंगे, क्योंकि हम। क्या बात है, ये पापा का आप मम्मी का। एक्चुअली मेरी सगी सिस्टर नहीं है, हम लोग इसकी जो दीदी है उसकी फ्रेंड है, हम बस हम लोग साथ में बचपन से पढ़े लिखे हैं तो ये हमको बहन मानती है। अच्छा, आप इसको कैसे देखते हैं कि इन्होंने पापा का टैटू बनवाया, क्योंकि आज लोग पवन सिंह का, खेसारी लाल यादव का टैटू बनवाते हैं, बागेश्वर बाबा का टैटू बनवाते हैं, इन्होंने पापा का टैटू बनवाया, कैसे देखते हैं इसको? इसको क्योंकि इसके तो पापा है नहीं, और जिसके माँ बाप नहीं होते वो अच्छे से वही जान सकता है। टैटू बनवा करके हमेशा यादगार पल हो गया, अब ये जिंदगी भर इसके साथ तो रहेगा ही, कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ उसके पापा उसके पास तो हैं, रियल में ना होकर कम से कम ऐसे तो पास है। टैटू बनवाया है, मैं चाहती हूँ कुछ दर्शक लोग जितने लोग देख रहे हैं कुछ उनसे भी पूछा जाए कि मैंने सही किया या गलत किया। वो तो पूछेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है? मैंने सही किया, क्योंकि मेरे पापा है, मैं उनकी फोटो कहीं भी बनवाऊँ। एक सवाल है मेरा, अगर आपके पापा नहीं है अभी, ठीक है, तो आपने टैटू, अगर पापा होते तो भी बनवाते। क्योंकि लोगों का सवाल ये होगा कि आज पापा नहीं है इसलिए ये लड़की टैटू बनवाई है। नहीं, ऐसा नहीं है, तो भी बनवाते हैं। मेरा जैसे फेसबुक है उसमें फर्स्ट फोटो मैंने डाला अपने पापा का, जब मैंने अकाउंट अपना चालू किया था
तब मैं अपने पापा और मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। शायद जिनके पास पापा नहीं है वो भी समझ सकते हैं मेरी तकलीफ। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं एक्टर्स हूँ, मैं मॉडलिंग भी करती हूँ, अभी तो मैं भोजपुरी सॉन्ग कर रही हूँ। अच्छा, सॉन्ग में काम करती हैं? जी जी। अच्छा, भोजपुरी एल्बम में? हाँ, भोजपुरी में। अभी वैसे हिंदी करती हूँ। अच्छा, अभी कौन सा कोई सा गाना भी आया क्या? हाँ, अभी 10 तारीख को लॉन्चिंग हो रही है। अच्छा, हिंदी सॉन्ग है। मैं भोजपुरी अभी मैंने मतलब कि अभी सावन का एक सॉन्ग किया है, अभी वो भी 10 तारीख को लॉन्च हो रहा है। आपको भोजपुरी आती है? नहीं, नॉर्मल आती है। आप बात करिए तो नॉर्मल कोशिश करिए। मुझे भोजपुरी नहीं आती। आप भोजपुरी में कुछ बोल के दिखाइए। बोलिए भोजपुरी, आप कैसे हैं बताइए, कैसे बोलिए? रउआ लोग कैसन वानी? रउआ लोग कैसन वानी? यही है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, मेरे को आती नहीं है। अच्छा, और भी कुछ बोल के दिखाइए भोजपुरी में, काफी आवाज आपका सुन रहा हूं। क्या हाल चाल बा रउआ लोग? कितने मेरे को आती नहीं है भोजपुरी में। कोई गाना कोई भी गा दीजिए, पवन सिंह के सारे या किसी का भी गा दीजिए, कोई सा भी चलेगा। चलेगा चलेगा। पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई, पापा के भी गाँव में ममता की यादों में कुछ दिन। मेरे तो नहीं आता सिंगिंग, मेरे को। ठीक है, इधर आइए आप। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सपना है मेरा नाम। क्या? सपना। अच्छा, आप इनको कैसे देखते हैं, पापा का टैटू बनवाए कैसे देखते हैं? पापा का टैटू बनवाए हैं आपके जो बहन लगती है ना जी, कैसे उनको, क्योंकि लोग पवन सिंह का बनवाते हैं। नहीं, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरी सिस्टर ने पापा का बनवाया। ठीक है, बहुत दर्द होता है फिर भी जी। 3 घंटा लग गया, हम भी गए थे वहाँ पर जी। अच्छा, 3 घंटा लग गया। कैसे आइडिया आया कि इनको पापा का टैटू बनवाया? अपने पापा को बहुत याद करती है वो, इसलिए तो ये टैटू बनवा लेते जी। बहुत प्यार भी करती है। अच्छा, सगे सिस्टर नहीं हूँ मैं इनकी। अच्छा जी, सगे क्या, अगर आप प्यार मोहब्बत है तो जी जी बस। आपका क्या नाम है? आपका अमित आर्याराज। आप इनके क्या ब्रदर? ब्रदर हुआ है। हाँ। आपकी बहन को कैसे आइडिया है कि मतलब बनाना है ये सब? आइडिया नहीं, मतलब पापा के प्रति इतना उनको प्यार था तो वो टैटू बनवाए, जाहिर सी बात है। आइडिया तो इसमें कुछ था नहीं कि बहुत लोग अभी बना रहे हैं, खेसारी का, पवन का, ये बड़े बड़े स्टार का, तो आइडिया से कोई काम नहीं किया गया है, बस उनको लगा कि बनवाना चाहिए, बस बनवा लिया और कुछ भी नहीं। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा अभी मेरे साथ, टैटू गर्ल थी, क्योंकि लोग पवन सिंह खेसारी लाल यादव का टैटू बनवाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पापा का टैटू बनवाया, जो अपने आप में यूनिक चीज़ है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप नीचे कमेंट कर जरूर बताइए। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, और इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।